हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिफ्रेश माइंड विद शिवा। तो दोस्तों, जो आज हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कृष्ण या कृष्णा। तो दोस्तों, इसके बारे में क्या है, आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जैसे कि जो ये कृष्ण और कृष्णा नाम है, ये दोनों ही संस्कृत वर्ड हैं, मतलब कि ये संस्कृत के शब्द हैं। तो दोस्तों, आजकल हमने ज़्यादातर सुना ही होगा कि हम कृष्ण को कृष्णा कहने लगे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये कृष्ण और कृष्णा ये दोनों के दोनों ही अलग अलग शब्द हैं। तो इसके बारे में क्या है, चलिए पता करते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि जो कृष्ण है ये पुल्लिंग है और जो कृष्णा है वो स्त्रीलिंग है, मतलब कि कृष्ण जो है वो एक पुरुष नाम है, जो कृष्णा है वो एक स्त्री नाम है। अब जैसे कि जो कृष्ण है उसका मतलब होता है श्याम वर्णी, मतलब कि इसका मतलब होता है श्यामला रंग। और दोस्तों, जैसे कि हमने अक्सर ही सुना होगा कि हम कृष्ण जी को सिर्फ कृष्ण ही कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जो कृष्णा शब्द है, जो संस्कृत शब्द है, इसका प्रयोग द्रौपदी जी को संबोधित करने के लिए महाभारत में किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कृष्णा द्रौपदी जी को कहा जाता था। अब जैसे कि ये कृष्णा जो है, इसके बारे में कन्फ्यूज़न क्यों पैदा हुई, कृष्ण को ही कृष्णा कहने लग गए लोग। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब भी हम इंग्लिश में कृष्ण लिखते हैं तो हम लास्ट में उसके ए लगा देते हैं, मतलब कि कृष्ण लिखने के शब्द के साथ साथ हम ए शब्द भी जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कृष्ण का मतलब कृष्णा हो जाता है। और यहीं से गलतफहमी लोगों में फैलने लगी कि कृष्ण को कृष्णा कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में हमने बताया कि कृष्ण अलग नाम है और कृष्णा एक अलग नाम है। तो दोस्तों, आप में से कितने लोग इस फैक्ट के बारे में जानते थे, और जो नहीं जानते थे वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि आने वाली सही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।